हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आखिर किसकी गलती है और क्यों। कई बार रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं समझा सकते डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हम कई सारी बातें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो लेट्स फिगर इट आउट, ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसके बारे में जानना फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, शायद किसी ने गलती की हो, आप उनके ऊपर शायद भड़क गए, फिर वो आपके ऊपर भड़क गए हो, जो भी बात हो थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि भाई क्या मिलता है इसका नतीजा। ओके, हम यूज़ करने वाले हैं दो ऑब्जेक्ट, टैरो और ओरेकल। तो देखते हैं कि क्या है अभी इस वक्त। ठीक है, 5 कार्ड निकालते हैं यहाँ से। तो चलो, पहला कार्ड है उनके लिए, दूसरा कार्ड उनके लिए, ठीक है, तीसरा कार्ड और चौथा कार्ड उनके लिए, और एक फाइनल कार्ड चाहिए हमें, यह आ गया 5 कार्ड उनके लिए। ठीक है, इट इज़ द 5 कार्ड्स फ्रॉम टैरो फॉर देम। और अब 5 कार्ड ओरेकल से निकालते हैं उनके लिए ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प मिले। चलो, फर्स्ट ये आ गया, सेकेंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, फोर्थ और ये आ गया फिफ्थ। ठीक है, तो मैंने 5 कार्ड निकाल लिए हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। ओके, सो हियर वी आर। मैंने यहाँ पर थोड़ा अलग जगह पर कैमरा प्लेस किया है, ठीक है, बट आई होप यू कुड बी सीन दैट क्लियरली। देखो, पहला जो कार्ड आ चुका है वो है द सन। ओके, आई थिंक तीसरी या चौथी रीडिंग में इसके पहले सन आया था एक जगह पे। द सन इज़ ओवर हियर, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये एक ब्राइटनेस है, ये एक प्रकाश, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। दिस पर्सन इज़ लाइक इल्यूमिनेटिंग। देखो, यहाँ पे गलती की गुंजाइश तो छोड़ो, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे देखो, जैसे कि यहाँ पे हमें सोलर एक ये दिखता है, ठीक है, पूरा हमारा जो सौर मंडल है वो दिखता है, और वो जो पूरा सोलर जो प्लैनेट है पूरे तरीके से जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम, उसमें जो हम देखते हैं कि तरह तरह के प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं। दैट मीन्स ये हमारे ही विचार होते हैं, ये हमारी ही सोच होती है जो यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं। कई बार ये इंपॉर्टेंट होती है, कई बार वो इंपॉर्टेंट होती है। हम ये नहीं कह सकते भाई पृथ्वी इज जस्ट द ओनली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जुपिटर भी हैं, मार्स भी हैं एंड यूरेनस भी हैं। एवरीथिंग हैज़ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। वैसे हालत में जो सन है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आस्पेक्ट बहुत क्लियर हो रहे हैं, जहाँ पे आपको समझना है कि भाई दिस पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू शोकेस, इनको अपने आप को कुछ बताना है, कुछ प्रूव करना है। ये मोस्ट हो सकते हैं पाइसिस, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, सेगिटेरियस। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कॉइंस। क्वीन ऑफ कॉइंस में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे बात आती है कि भी रिगार्डिंग सम फाइनेंशियल इश्यूज, या फिर रिगार्डिंग सम एटीट्यूड, यू नो, कि मैं तुम्हारे लिए चेंज नहीं करूँगा या मैं तुम्हारे लिए चेंज नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं एटीट्यूड आता है, यू नो, एंड वो जब आता है तो फिर ज़िंदगी में बदलाव शुरू होते हैं, और एक बार बदलाव की श्रृंखला शुरू होती है तो फिर इंसान पीछे नहीं हटता। आई आर जस्ट वंडरिंग, एंड कहीं किसने डाल दिया कि भी स्टार प्रभाव पे एक, मतलब एक सीरियल है, वो आई थिंक 5-6 बार रिपीट हुई है अलग अलग चैनल्स पे स्टार के ही, यू नो, इट्स ऑल अबाउट अ मदर जिसका हस्बैंड जो होता है वो उसे चीट करता है, फिर व्हाट हैपेंस, तो उसके बारे में वो है। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड डिपेंड करता है कि भाई आई वॉन्टेड अ काइंड ऑफ वाइफ हु कैन बी अट्रैक्टिव इन लाइकवाइज, तो ये ऐसी मुझे नहीं मिली, सो आई फाउंड समबडी हु कैन बी माई मैच एंड आई वॉज विद दैट पर्सन। तो ये जैसे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, कहीं ना कहीं पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हो सकता है कि भाई दिस पर्सन वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक अट्रैक्टिव, कैची। जैसे कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई चमकती चीज़ दिखे तो आप वहाँ पे भागोगे, वही चीज़ यहाँ पे, दिस पर्सन वॉज बिहाइंड दैट। शायद ये सक्सेस के पीछे थे कि मुझे सक्सेस मिल रहा है, तो शायद जॉब की तरफ ज़्यादा ध्यान चला गया है, या फिर ये पर्सन शायद किसी की तरफ अट्रैक्ट होगा, यू नो, ये हो सकता है। सैगिटेरियस स्कॉर्पियो,
एरीज लियो एंड कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी यहाँ पे आ सकती है बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू फेच समथिंग, ट्राइंग टू गेट समथिंग. इनको कोई चीज़ पानी थी, खोनी नहीं थी. खोने के लिए तो कुछ नहीं था, पाना तो था, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला. तो कहीं ना कहीं ऐसे सोच में ये पर्सन शायद आगे चला गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स में जो हम देखते हैं कि भाई इस पर्सन के लिए अपनी जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी बहुत मायने रखती है, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन जो है वो एहतियात बरतता है, यू नो. सो इफ यू आर वंडरिंग के क्या इस पर्सन के अफेयर हो सकते हैं, इट कुड बी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि अपने फैमिली को प्रेफरेंस दे रहा है या आपको प्रेफरेंस दे रहा है. इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये कहीं पे इन्वॉल्व है इमोशनली, तो वहाँ पे ये अपना 70-90% ज़रूर देगा. आई नॉट सेइंग 100%, लेकिन 70-90% ज़रूर देगा. जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो फैमिली की प्री रिक्वेस्ट है, वो सब पूरी करने की कोशिश वो करेगा. तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही कि भाई आपको छोड़ के कहीं पे चला जाए. हालांकि कहीं ना कहीं पे किसी की शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर थोड़ी सी बेवफाई हो ज़रूर सकती है. नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है सेवन ऑफ सोर्स. सेवन ऑफ सोर्स में यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन अपने पास से छिप रहा है. यू नो इट कुड बी लाइक दैट. शायद वो अपने पास को बंद करने गया था. और वही मुझे एक एक्चुअली डायलॉग याद आ गया, चाची 420 में कमल हसन को हेल्प करते हुए एक जो बावर्ची होता है उसको पकड़ा जाता है. तो उसको बेल कराता है, कहते हैं कि तुम कैसे पकड़े गए. तो बावर्ची कहते हैं कि भाई पैसे रखते वक्त, पैसे अगर लेते वक्त पकड़ा जाता तो ठीक बात थी, रखते वक्त पकड़ा गया. यू नो सो लाइक वाइज आई थिंक ये पर्सन अपने एक्स रिलेशनशिप के साथ या फिर एक्स के साथ जूझ रहा है, जो इनके लिए बहुत तकलीफदेह है. अब ऐसे हालत में अगर आप इनको देख रहे हो या फिर कोई आपको चुगली कर रहा है, दिस पर्सन हैज़ बीन सीन विथ एक्स, या वो एक्स के घर गए थे, ये एक्स के साथ कहीं होटल गए थे या फिर कहीं उन्होंने बातचीत की, सो यू कैन बी फीलिंग व्हाट द हेल इज़ दिस. ये एक्चुअली कहीं ना कहीं किसी को चुप कराने की कोशिश कर रहे, आई डोंट वॉन्ट यू एवर इन माई लाइफ. लेकिन जैसे हम कहते हैं कि भाई हर जगह बात करने के लिए सही नहीं होती, तो शायद वो वही एक तरीका अपना रहा है. द वे यू वॉन्ट, जहाँ पे तुम कंफर्टेबल हो, मैं आता हूँ या मैं आती हूँ, बात करते हैं एंड विल फिनिश इट. तो कहीं ना कहीं ये बात हो जाती है. इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस तो ज़रूर है. जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स. देखो ये पर्सन अभी भी अपनी किस्मत तलाश रहा है. ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक फाइंडिंग सॉलिट्यूड, इसको बिल्कुल भी नहीं मिली है. एक तरफ आप हो, मे बी वेयर यू आर हैविंग अ क्वेश्चन, फायरी क्वेश्चन टूवर्ड्स दिस पर्सन. एक तरफ इस पर्सन का पास है जिससे उसको छुटकारा चाहिए और ये नहीं हो रहा है. मैंने एक आई थिंक मूवी देखी थी, इसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन ये मूवी थी रिगार्डिंग स्टीलिंग अ डायमंड. ठीक है, वो एक चोर होता है, डायमंड चुराता है और एक बिल्डिंग में रखता है, फिर उसे जेल होती है. जब बाहर आता था देखता है कि वहाँ पे एक पुलिस की बिल्डिंग बन चुकी है, लाइक चोर मचाए शोर, वैसी स्टोरी है लेकिन फॉरेन की है, यूएस की है. तो फाइनली वो वहाँ से चुराता है एंड किसी की हेल्प के थ्रू दूसरे देश चला जाता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके. सिमिलरली ये जो पर्सन है ये अपने पास से छुटकारा पाना चाहता है. मान लीजिए कि अगर ये नॉर्थ में है जहाँ पे ब्रेकअप हुआ तो साउथ में जाएंगे, ईस्ट में ब्रेकअप हुआ तो वेस्ट में जाएंगे. तो कहीं ना कहीं अपना पास पीछे छोड़ना चाहते हैं बिकॉज द पर्सन वॉन्ट टू एंटर इन टू द गेट्स. और अगर वो ऐसा करना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है, लेकिन आपको शायद ये गलत लग सकता है. मे बी आपको लग सकता है कि भाई ये किसी और की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रिट्रीव समथिंग, इसी को कुछ पाना है, लेकिन वो तब पाएगा जब पहले कुछ है वो छोड़ेगा. जैसे अगर उसके पहला ही जेब अगर भरी हुई है, मूँगफली हुई है, तो मूँगफली अगर वो जब तक नहीं निकालेगा तो कुछ पैसे वगैरह नहीं डाल सकेगा, तो ये उसको पहले खाली करना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड जो हम देखते हैं यहाँ पे जो कि है ओरेकल की रीडिंग. देखो पहला है वाइडन टू टॉक. पहले का जहाँ पे वो कुछ बातें क्लियर हो रही है, आई थिंक आप और ये दोनों मिलके बातें नहीं कर रहे हैं. यू नो अब जब बातें नहीं होगी तो कैसे बात होगी. आई मीन जस्ट इमेजिन कि भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बीमार हो, डॉक्टर ने बुलाया, फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लिया आपने और आप जाके डॉक्टर के पास बैठ रहे हो और एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं. हाउ कुड यू अज्यूम कि भाई डॉक्टर आपको खुद पूछेंगे या फिर खुद आपको कोई चिट्ठी वगैरह देंगे कि भाई हाँ ये दवाई ले लो और ठीक हो जाएंगे. नथिंग. वर्ड टॉक में अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो एक दूसरे का मकसद नहीं जान पाएंगे कि भाई आखिर क्या हुआ था या फिर क्या हो रहा है, तुम्हें क्या कहना है, क्या तुम्हें मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहिए या मुझे तुम्हें कुछ बताना है. ये बातें आप दोनों
क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो आई लव यू अनटिल नाउ, अभी भी ये पर्सन अपने दिल में फीलिंग जगाए हुए हैं, इसके दिल में आज भी आई लव यू ये फीलिंग है। लेकिन कई बार लोग ये फीलिंग जो है वो फिल्मी टाइप समझते हैं कि भाई यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ। देखो फिल्में जो होती हैं वो एक लेवल होता है जो सिर्फ देखना होता है और छोड़ना होता है। जैसे ग्लासेस, आप सोते वक्त ग्लासेस नहीं पहन सकते, नहाते वक्त ग्लासेस नहीं पहन सकते, है ना, मेडिटेशन करते वक्त ग्लासेस नहीं पहन सकते, वैसे ही हैं आई लव यू ये जो सीरीज़ है, ये जो एक आपके दिल की हालत है वो ज़रूरी नहीं कि आप बयां करके ही बताएं। आपकी खामोशी से भी, आपकी आँखों से भी कोई पर्सन इस बात को गहराई से समझ सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो इमोशनल कमबैक, कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आना ज़रूर चाहता है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। देखो अगर आप इसको आने देते हो तो ये पर्सन ज़रूर आना चाहेगा, लेकिन अगर आप उसके लिए गेट्स ओपन करते हो तो, अगर आप उसके लिए गेट्स ओपन नहीं करते तो क्या होगा। देखो कपल में लड़ाई कई बार होती है और उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। कई बार कोई पर्सन गलती से कोई वर्ड बोल देता है जो दूसरे पर्सन को हर्ट करता है, लेकिन ये जानबूझ के नहीं होता, ये बस निकल जाता है। ओके, एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। छोटी सी बात होती है लेकिन सोच सोच के हम उस बात को बहुत बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, आई थिंक आप कुछ भूल रहे हैं या आपको बताना चाहते हैं। आज से पहले आपकी जितनी भी लड़ाई हुई है वो आपने कितनी अच्छी तरीके से उसको बुलाया है, इन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है, आपने भी इनके लिए कितना कुछ किया है। बोथ ऑफ यू हैव एंजॉयड, मेबी आपने वैकेशन एंजॉय किया होगा, यू कुड हैव गॉन टू गोवा, महाबलेश्वर, वट एवर, वेर एवर यू वॉन्टेड टू गो। जो भी ट्रिप्स अपने प्लान्स की होगी, आपने जो भी पार्टीज प्लान की होगी, जो टाइम आपने स्पेंड किया होगा, क्या ये मायने नहीं रखता। तो कई बार सिर्फ हम कुछ चीज़ों को लेके ही परेशान होते रहते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है टीयर्स, दिस पर्सन इज़ लाइक हैविंग टीयर्स इन देयर आइज, ये पर्सन जो है इनकी आंखों में बस अभी आंसू हैं। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि यह पर्सन अभी अपने आप को और ज़्यादा डिफेंड नहीं कर सकता, इतना ज़रूर ये पर्सन चाहता है कि अगर आप इसे आने दोगे ये पर्सन ज़रूर आ सकता है, लेकिन अगर आप इसको एक चांस दोगे एक्सप्लेन करने का, व्हाट वाज दैट, है ना, आखिर क्यों हुआ। आप डायरेक्टली इनके ऊपर ब्लेमिंग ही डाल रहे हो कि यू आर कल्प्रिट, आपको ये सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसको भी तो ये डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए ना, एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल। तो ये था रिगार्डिंग देम, अब देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती हैं। चलो हम दो बार कार्ड शफल करते हैं, ठीक है। चलो हमें इस 5 कार्ड चुनने हैं आपके लिए, ठीक है। आखिर किसकी गलती है और क्यों। चलो 3 ही आ गया, 4th और फाइनल कार्ड ही आ गया, 5th। ओके, ये 5 कार्ड हो गए, तो चलो अब निकालते हैं 5 कार्ड ओरेकल से, दो बार शफल करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अभी कि कार्ड्स क्या आते हैं। चलो 5 कार्ड चुनने हैं हमें, 3, 4 एंड ये आ गया 5वां कार्ड, ठीक है। तो चलो 5 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं कि रीडिंग कैसी आती है। मैंने पहले वाले कार्ड्स मिक्स कर दिए हैं, ओके, तो ये कार्ड उसमें ही है, ठीक है। देखो पहला ये जो कार्ड है आपके लिए वो है 2 ऑफ कप्स, कि ना आपके दिल में, आपके जहन में भी यही बात चल रही है। 2 ऑफ कप्स इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर लवर, यू एंड द पर्सन, जहाँ पे सिर्फ प्यार है। अब कई बार आप इस बात को लेके हैरान परेशान होते हैं कि जब इतना सारा प्यार है, इतना सारा जज्बात है, तो हाउ कुड यू बिहेव रूडली विद योर पर्सन। मतलब आप अपने लवर के साथ, अपने पर्सन के साथ इतने रूडली कैसे पेश आ सकते हो। लेकिन कई बार समय जो होता है वो इसका जवाब देता है, ओके। जैसे कि माँ पार्वती है, वो बहुत शांत थी, लेकिन एक बार ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे कोई नहीं था और कोई मारने के लिए आ गया, तो फाइनली इनको किसी को बचाने के लिए काली का रूप लेना पड़ा। यस, सो लाइक दिस वे, तो एक मोमेंट पे शायद आपने बहुत गुस्सा किया होगा और वो मोमेंट आप अभी तक लेके चल रहे हो, यू नो। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो 26 दिसंबर होता है वो सिर्फ एक बार आता है साल में, बार बार नहीं आता। क्रिसमस जस्ट वन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है द सन, देखो आपके लिए भी वही कार्ड आ गया द सन। आपके दिल में भी जज्बात है, यू जस्ट फीलिंग द सेम। आई थिंक आप सोचते हैं पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैगिटेरियस,
आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं, इनफैक्ट आपका दिल बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहा है, यू आर हैविंग वंडरफुल थाट्स, आप उनको भूल नहीं सकते, यू हैव द सेम फीलिंग, वी कैन हैव वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, वी कैन बी टुगेदर, वी कैन लिव टुगेदर एंड वी कैन हैप्पीली मैरी टुगेदर, वी कैन सस्टेन आवर मैरिज, वी कैन कीप दिस रिलेशनशिप एक्टिव। यही बात है, देखो जैसे कि यहाँ पे है, आप दोनों के मूड्स हैं और आप दोनों ने बहुत कुछ सहा है, बीइंग टुगेदर बहुत कुछ देखा है, शायद ये आलसी हैं, आप शायद बहुत स्फुर्तीले हो, यू नो आप शायद कम बोलते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मे बी आप शॉपिंग कम करते हैं शॉपिंग ज़्यादा करते, तो दोनों ने कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की है। लेकिन हम कहते हैं कि किसी को भी परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता, यस आप कितना भी चाहें कितना भी सोचें, किसी भी पर्सन को परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलता, हर एक में कोई ना कोई खामी रहती ही है। वैसे ही है यहाँ पर, जैसे हमने देखा कि भाई सौर मंडल में यहाँ पे हर एक प्लैनेट की अगली अपनी अपनी जगह है, लेकिन उसी जगह पे वो है इसलिए बहुत अच्छा है। अगर बुध की जगह पृथ्वी होगी तो वहाँ पे कोई भी जीव सृष्टि नहीं रहेगी, वाई बिकॉज वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक प्लेसमेंट है। वही है, अगर आपने गलत जगह पे गुस्सा दिखाया तो नतीजे आपके सामने हैं, आप अभी भी भुगत रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है कॉइंस। वाओ, आई थिंक ये भी वहाँ पे भी आई थिंक कॉइंस आ गया था, लेकिन ये है सिक्स ऑफ कॉइंस। देखो सिक्स ऑफ कॉइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक लगाना एंड नाप तोल की भाषा बोलना, नाप तोल की भाषा। ओके, अभी मुझे एक चीज़ याद आ गई अभी कि माई डैड यूज़ टू बी अ फार्मर एंड एक बात ऐसी हो गई थी कि वो आई थिंक टोमेटो बेचने के लिए गए थे, लेकिन रेट्स इतने कम हो गए थे कि फिर गुस्सा हो गए। आई थिंक दो बार ऐसा हुआ, एक बार तो उन्होंने गाय को खिला दिया और एक बार ऐसे उन्होंने रास्ते पे डाल दिए, वाई बिकॉज ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से ये सब किया है और नतीजा क्या मिल रहा है, सिर्फ एक रुपये। सो फ्रस्ट्रेट होता है इंसान। यहाँ पे इम्पॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। आप जैसे कि कई जगह पे जाते हैं, अगर आप जाते हैं किसी दुकान में तो कहीं पे भावतोल होता है एंड कहीं पे यू नो मतलब ऐसे कोई भी कोई लोग हैं कि भाई रास्ते पे कोई बेच रहा है तो कम भावतोल करेंगे, लेकिन वही अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं या फिर सुनार के पास तो वहाँ पे भाव कम ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे वही भाव रेट लगता है ना। तो ऐसा है कि आपको समझना होगा कहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है। ये भी गलती करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी गलती है कि भाई आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो परफेक्टली। किसने कहा कि गलती इनकी ही है सिर्फ, तब प्रॉब्लम आता है। देखो रास्ते ख़राब है ये तो दिख रहा है, गाड़ी किसने ज़ोर से चलाने को कही थी, प्रॉब्लम आ गया ना। तो वही बात है, आप दोनों को भी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है थ्री ऑफ सोर्स। यस एज थॉट, आपके लिए ये सदमे से कम नहीं है, कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ आने की, एंड भी आपको भी मोमेंट्स बहुत ज़्यादा आप तकलीफ दे रहे हैं। जो पर्सन आपको इतना प्यार करता था, आज वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर है, आप उनका नाम तक नहीं लेना चाहते, आप उनसे कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, ना तो वो आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, ना आपको उनका कोई स्टेटस दिख रहा है, ना तो आपको कुछ मतलब देर इज़ नथिंग, देर इज़ जस्ट कम्प्लीटली ब्लैकआउट। वैसे हालत में जो बस बचा है वो है ये आंसू, इनकी यहाँ पे है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं दिल बहुत ज़ोर से टूट गया है, मतलब कोई ग्लास की जो एक बॉटल है या फिर ग्लास का कोई मटेरियल है वो हाथ से नहीं चौथी या पांचवी मंजिल से नीचे गिर गया है, छराम कर से कोई आवाज़ आ गई है, तो यहाँ पे हो गया है। कहीं ना कहीं आपको हार्ट बिखर गया है, यानी आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेयर यू डिडंट वांट दिस, आपको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तकलीफ इन्होंने भी सही आपने भी सही, लेकिन ये सहनी पड़ रही है। जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है क्वीन ऑफ वांड्स। कहीं ना मुझे लग रहा है कि भाई आप अभी जो एक्शन ले रहे हैं, फिर जो आपने तरीका ढूंढा है कि आई एम गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, आई डोंट वांट टू बी अंडर समवन, आई डोंट वांट टू बी स्लेव टू समवन, मुझे किसी की भी दासी नहीं बनना है, मैं फाइट कर सकती हूँ, मैं जीत सकती हूँ, फिर मैं फाइट कर सकता हूँ, आई कैन विन, मुझे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक झुकने की बात आती है तो इफ़ यू गो टू अ बाबर आपको झुकना ही पड़ता है, इफ़ यू बो बिफोर टेम्पल चर्च मस्जिद आपको झुकना ही पड़ता है, वाई बिकॉज ये है। तो यहाँ पे क्यों नहीं, कहीं ना कहीं ये जो आपके दिल में जज्बात आ चुके हैं कि भाई आई वोंट, मैं नहीं करूँगी अब,
जो करना था वो कर लिया, अब नहीं करूँगी। थ्री ऑफ सॉर्ट्स के बाद आपका जो थिंकिंग है वो बदल गया है। मे बी आपने अपने दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। हमेशा ध्यान में रखिए, जितना चोट सामने वाला पहुँचाता है ना, उससे 10 गुना चोट हम खुद को सोच सोच के देते हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखते हैं कि ओरेकल यहाँ पे क्या रीडिंग लेके आती है। देखो, गौर गोपाल दास का एक मैंने लेक्चर देखा था, तो वहाँ पे उन्होंने एक जोक मारा, फिर सब लोग हंसे, फिर उन्होंने वही जोक 4-5 मारा, फिर हंसी कम होती गई। तो उन्होंने कहा कि भाई लोग कहेंगे कि भाई ये क्या पागल हो गए क्या। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एक जोक पे 5 बार ही हंस नहीं सकते, तो एक गम को लेके इतनी बार क्यों रोते हो। व्हाई डू यू से दैट आई एम बीइंग हर्ट एवरी डे, उठो तो आई एम बीइंग हर्ट, सो जाओ तो आई एम बीइंग हर्ट, खाना खा रहा आई एम बीइंग हर्ट। व्हाई? जितना आप खुद को कहेंगे आपका दिल उतना ही दर्द में रहेगा। देखो यहाँ पे जो है, आर यू मेकिंग अ मिस्टेक, ये आप खुद से पूछ रहे हैं कि क्या मैंने सच में गलती की है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। पहले तो क्या इनको पाके, इनको चुनके अपनी गलती की है, या फिर जो हो रहा है क्या मैंने उसमें गलती की है। देखो, रिबेलियस बनना ये कोई गलत बात नहीं है। हर कोई अपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिबेलियस बनता ज़रूर है, या तो सिचुएशन उसे बनाती है या फिर वो खुद बनता है। देयर वांट टू बी रिबेलियस, यू नो, मैं अब किसी का नहीं सुनूंगा, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी, आई वांट टू लीव द लाइफ द वे आई वांट, मैं अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ पे सवाल आता है कि भाई क्या इनको चुन के अपनी गलती की, या अभी जो हो रहा है वो एक गलती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है स्पीचलेस। तो आई थिंक अभी आपके पास कोई भी वर्ड नहीं है। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई उनसे कोई तो रिप्लाई आ गया, यू नो, मे बी दे जस्ट बस एक सिंपल कहे हाय, और आप डायरेक्ट जाके उनको हग करोगे, लेकिन नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, यू नो। देखो, जो नाला होता है वो नदी से मिलने को के लिए खुद को नहीं रोकता, और नदी समुंदर से मिलने के लिए खुद को नहीं रोकती, वो मिलते ही है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने छोटे हो, आप कितने बड़े हो, आपका विस्तार कैसा है, नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फीलिंग क्या है। किसी के दिल में प्रवेश करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्पीचलेस में आपके पास वर्ड नहीं है, या तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई करूँ तो क्या करूँ मैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वहाँ पे ट्रिंग ट्रिंग, तो कहीं ना कहीं आई थिंक फ़ोन यहाँ पे चालू है। मे बी आप उनको या तो फ़ोन कर रहे हैं, या फिर उनसे कोई फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट योर फ्रेंड्स आर हेल्पिंग यू समहाउ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लेट्स डू सम शॉपिंग। एंड फाइनल कार्ड है वो है कैंडल लाइट। तो आई थिंक आपकी और इनकी बातें बन रही हैं, जो कि बिल्कुल ही बननी चाहिए। लेट्स डू सम शॉपिंग इसलिए आ रहे हैं कि ट्रिंग ट्रिंग की बात डायरेक्टली ये कार्ड आ चुका है। ट्रिंग ट्रिंग का मतलब है कि फाइनली आपकी उनसे बातें हो रही हैं, और बातें होने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि भाई जो भी दिल में प्रॉब्लम थी, सुराग थे, वो आपने मिटा दिए हैं, वो सब क्लीन कर दिया है। अब जो बचा है वो बस इतना है दैट यू ट्रस्ट दिस पर्सन ट्रस्ट यू, नाउ यू वांट टू लिव द लाइफ द वे यू वांट, द वे यू एवर लिव्ड। एंड यहाँ पे कैंडल लाइट वंडरफुल लव लाइफ, जहाँ पे आप उनके साथ बहुत खुश हो। विथ रीडिंग आई होप इट कुड रिजोनेट। थैंक यू, सनिंग ऑफ मीनिंग थ्रू।